पूरा 10 दिन लगता था और वहाँ एक महल था और उस महल में राजा रहता था। राजा के बच्चे ने कहा कि चल अरे आए हमको पापा हमको इस जाना है रथ से स्कूल जाना है। तो राजा ने बहुत खुश होकर एक रथ मंगवाया और उस रथ पे उन चारों उसके 3 बेटे और 1 लड़की थी। लड़की बहुत बहुत चालाक थी तो वो सब चले गए और वहाँ एक जंगल था। उसी में रात हो गई, बहुत खंगू जंगल हो गया तो उसी में सब रुक गए। रुकने के बाद वो सब फिर क्या हुआ? फिर रुकने के बाद ना वो सब सो रहे थे और तब तक सारे एनिमल्स निकल गए। संकनी डंकनी सब निकल गए और फिर वो सारे बच्चे तो भाग गए। फिर भी वो लड़की जो थी ना चालाक थी इसलिए वो नहीं भागी, वहीं रही। और एक एलिफेंट नीचे था, उसके पैर में कटा गिर गया था तो और उसी को बचाने में वो नीचे उतर गई और जैसे ही निकाल ली उसको एलिफेंट चलाया। और फिर वो ऊपर जैसे ही चल रही थी संकनी उसने उसको संकनी देख गई और फिर उसके पास गई, कही आकाश मैं तुमको खाऊंगी। उसने कहा अभी संकनी मौसी अभी डंकनी मौसी आई थी और वो कह रही थी कि अभी मैं संकनी को खाऊंगी। तो संकनी गई डंकनी मैं तुमको खाऊंगा तब तक डंकनी उसके पास चली गई और कही उस लड़की ने कि डंकनी अभी संकनी आई थी अब कही मैं डंकनी को खाऊंगी जा। वो भी उड़ी डंक दलू उल्लू उल्लू उड़ी सब डंक। अरे और संकनी मैं तुमको खाऊंगी आकाश काच तब तक वो उतर के एलिफेंट के पीठ पर चल गई और एलिफेंट दौड़ते महल में आके बेहोश हो गया और लो लड़की भी उस पर से गिर गई। उसके तो दवा हो गई फिर भी वो एलिफेंट बहुत मराया और वो जाके नदी में रोने लगा और वो संकनी जो थी एक दूसरे के आंख के सामने आ गई। अब क्या हो रहा है? कहीं संकनी ने डंकनी का बाल नोचा, डंकनी ने संकनी का बाल नोचा और फिर एक कौवा था। बाल नोचते भी हैं उसमें जब करते हैं ना तो बाल नोचा ऐसे टच करके बाल टच करो कैसे चलो ना हाँ ठीक है हाँ ऐसे नोचा। और फिर तब तक एक कौवा संकनी के आंख में मारा ठा, संकनी के सर पे मारा ठा, दोनों कहीं तुल। और फिर ये संकनी तो आंख बंद करके चल रही थी कभी इधर जाए तो इससे लग जाए कभी इधर जाए तो इससे लग जाए ऐसे ही करते करते दोनों सैनिक घूम रहे थे और उस सैनिक में संकनी डंकनी को मार गया। वो एलिफेंट का क्या हुआ? एलिफेंट का